on its way back to the moon. The historic mission to the moon and the launch of India's Chandrayaan 3 spacecraft. India is literally shooting for the moon. Chandrayaan 3 mission aims to touch down on the moon's largely unexplored. फाइनली हमारे देश की गर्व करने का समय आ गया है। 14 जुलाई सन 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 2:35 पर हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था। वाकई में वो दिन हमारे लिए सबसे प्राउडफुल था। दोपहर में सबकी आंखें केवल एक जगह निगाह लगाए हुई थी कि हे भगवान, बस चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग सही से हो जाए। पर आज पूरे 42 दिन इंतजार करवाने के बाद 23 अगस्त सन 2023 को 6:04 पर हमारा चंद्रयान 3 लैंड होने वाला है। पर आखिर चंद्रयान 3 इतना खास क्यों है और क्या अब भी हम इस मिशन को सक्सेसफुल मान सकते हैं या फिर हो सकता है कि कोई कसर बाकी हो, चलिए इस वीडियो में पूरी बात जानेंगे। सबसे पहले जान लीजिए कि हमारा चंद्रयान 3 हमारे चंद्रमा मामा पे पानी की खोज करेगा, क्योंकि चंद्रमा का जो साउथ पोल है उस पे आज तक कभी भी सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाई है। हो सकता है कि वहाँ पानी, ईंधन या फिर ऑक्सीजन किसी और फॉर्म में उपलब्ध हो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 से इंस्पायर है। चंद्रयान 3 में जो लैंडर है उसका नाम विक्रम है, जो कि 2 मीटर लंबा है और उसका वजन 1700 kg से भी ज्यादा है और इसके अंदर तैनात सेनापति रोवर प्रज्ञान पूरे 26 kg का है। मैंने इसे सेनापति इसलिए कहा क्योंकि आधा ज्यादा काम तो यही करने वाला है। सितंबर 2019 में जब चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर को सफलतापूर्वक चंद्रमा के 5 किलोमीटर ऊंचाई तक लाया गया था तो सॉफ्टवेयर में थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाने के कारण उसकी हार्ड लैंडिंग हो गई। उसका ऑर्बिटर तो आज तक काम कर रहा है लेकिन हम चंद्रयान 2 को सक्सेस नहीं मान पाए क्योंकि विक्रम लैंडर ही लैंड नहीं हो पाया। लेकिन चंद्रयान 2 से सीखने के बाद हमने चंद्रयान 3 को ऐसे मॉडिफाई किया है कि सॉफ्ट लैंडिंग ही करेगा। इसके लिए हमारे साइंटिस्टों ने इसके लिए 8 स्टेज तय किए हैं। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 के लैंडिंग से पहले के 15 मिनट बहुत ही खास हैं, क्योंकि यही 15 मिनट तय करेंगे कि हमारा ये चंद्रयान मिशन सक्सेस होगा या फिर अनसक्सेस। सबसे पहले स्टेज 1 में हम इसे 100 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक लाएंगे, क्योंकि 100 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद ही सॉफ्ट लैंडिंग का प्रोसेस शुरू होता है। ये ऊंचाई इतनी है कि 100 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक आने में हमारी चंद्रयान 3 को पूरे के पूरे 10 मिनट लग जाएंगे। स्टेज 2 में हम 30 किलोमीटर से रॉकेट के द्वारा उसे बूस्ट करेंगे, क्योंकि इस वक्त स्पीड काफी ज्यादा होती है। स्पीड बूस्ट करने के बाद हम उसे 30 किलोमीटर से 7.4 किलोमीटर तक लाएंगे। थर्ड स्टेज में वह 7.4 किलोमीटर से 6.4 किलोमीटर तक स्टेप बाय स्टेप उतरेगा और ये वो समय होगा जब हमारा चंद्रयान 3 वर्टिकल से थोड़ा थोड़ा 50 डिग्री तक चंद्रमा की ओर झुक जाएगा। फोर्थ स्टेज में हम 6.8 किलोमीटर से उसे 800 मीटर तक लाएंगे। फिफ्थ स्टेज में वह 800 मीटर से 150 मीटर पर उतरेगा। अब इसकी अग्नि परीक्षा शुरू हो जाएगी क्योंकि अब स्पीड को कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। छठवीं स्टेज में 150 मीटर से 60 मीटर पर उतरेगा और सातवीं स्टेज में 60 से 10 मीटर पर। और फाइनली वो समय आ जाएगा जब हमारा चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग के लिए तैयार है। 10 मीटर की ऊंचाई पर 10 मीटर प्रति सेकंड से चंद्रमा पर लैंड करेगा। इसे यहाँ तक पूरा लैंड करने में पूरा का पूरा 1 सेकंड लगेगा और 100 किलोमीटर से यहाँ तक का पूरा समय लगभग 14.5 मिनट का होगा, क्योंकि इस चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के जो पांव है उसे इतना मजबूत बनाया गया है कि अगर ये 100 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भी गिरेगा तो अभी चंद्रयान 3 के लैंडर को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चंद्रयान 3 के लैंड होने के बाद पैनल्स खुल जाएंगे, उसके अंदर से हमारा रोवर निकलेगा जो कि चंद्रमा पर पूरे 1 दिन तक तैनात रहेगा। अगर आपको लग रहा है कि मैंने गलत बोल दिया तो जरा ठहरिए, क्योंकि चंद्रमा का 1 दिन हमारे पृथ्वी के पूरे 14 दिनों के बराबर होता है। यानी हमारा चंद्रयान 3 पृथ्वी के पूरे 14 दिन तक काम करेगा और चंद्रमा के मात्र 1 दिन तक। और अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि हमारे भारत का सर जरूर ऊंचा होगा और भारत ऐसा करने वाला 4th देश बनेगा। तो सब लोग कमेंट में भारत माता की जय जरूर लिखना।